लक्ष्मी मित्र जी, अब कभी मरने की बात मत करना, अन्यथा लाइन कट जाएंगे और जंगली जानवर न जाने हजारों हैं यहाँ पे। अब दोस्ती लग गया, जब इच्छा होगा तो आप कष्ट मत कीजिएगा, मैं जाकर के आपको मिल लूंगा। अब अपना घर जाइए, क्योंकि आपके माता पिता इंतजार करते होंगे। चलिए मैं कुछ दूर छोड़ आता हूँ। हाँ बेटा। नहीं माँ, मैं मित्र को घर ले जाना चाहता हूँ। मित्र को उत्तमपुर शहर दिखाने के लिए जाओगे? हाँ। ठीक है, तो मैं आदेश जरूर दूंगी और दोनों दोस्त हंसी खुशी जाना है। ठीक है, लेकिन जल्द ही दोस्त को मित्र को शाम पढ़ते पढ़ते भेज देना, इतना विलम्ब मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। हाँ माँ। जल्दी वापस आ जाना मेरे पुत्र। सुनो माँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नजरों से आज जीवन में पहली बार अलग हो रहा हूँ। आज तक तूने मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं किया और मुझे भी तुम्हारे बिना तो रह नहीं जा रहा है। परंतु क्या बताऊँ, ये दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है, इसे निभाने के लिए इसका वचन का पालन हमें करना होगा। मैं उत्तमपुर शहर जाऊंगा, इनके राजमहल देखूंगा, इनके माता पिता का दर्शन करूंगा और तब तक तुम झोपड़ी में बैठकर मेरा राह देखना और मैं शाम तक में लौटकर वापस चला आऊंगा। क्या कुछ पैसे हमारे मित्र जी के लिए? बिस्किट मित्र के लिए, बिस्किट और आपके लिए आंसू भरी कहानी देखते हुए। ये दोनों दोस्ती की जुगल जोड़ी को देखते ही हमारी कंपनी के सोनू कुमार जी, सोनू कुमार प्यारा सा बच्चा है, ये नहीं देगा कोई हमको। हाँ, ये गिफ्ट मेरे बस की बात नहीं। हाँ, ये आप लोग नहीं चला सकिएगा। आइए, 11 रुपए शानदार पुरस्कार नवाजे, नवाजगी के लिए लाख लाख धन्यवाद। और माँ के लिए प्यारा सा खत लिखते हैं कि नारी के सीने में अमृत की घड़ा होती है, नारी के सीने में अमृत की घड़ा होती है जिसे कि पी करके सारे संसार के बच्चे जीते हैं। आइए, कंपनी स्वागत वंदन करती है। थैंक यू माँ। अब हम दोनों मित्र को इजाजत दो, मैं उत्तमपुर शहर जल्दी से चला जाऊं। और खुशी होती रे। हाँ चाहिए हाथ लगा। मैं अवश्य जाऊंगा माँ, उत्तमपुर शहर। उत्तमपुर शहर मित्र के घर जा रहा हूँ और इनके माता पिता से दर्शन करके मैं बहुत जल्द वापस चला आऊंगा। आइए, अब मैं यहाँ से शहर को यात्रा करता हूँ। रघुपति रघुबो राजा राम रघुपति रघुबो राजा I'm not afraid of the dark.
हेलो जी, वीर उत्तम कुमार गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, परंतु अभी तक महल तक नहीं आए हैं। पता नहीं कितना विलंब कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे पुराकिन भरोसा है कि आज उत्तम जरूर अपने महल तक आएंगे। मैं उत्तम की इंतजार करती हूँ। हेलो, हे जलदीसा आई है रे उत्तम रे, इंतजार कर रही हो, ये किसका इंतजार हो रहा है? स्वामी जी, अपना पुत्र उत्तम का मैं इंतजार कर रही हूँ। ओह, बेटा उत्तम शिकार खेल के अभी तक नहीं आया? नहीं आए हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है महारानी, जंगल बहुत बड़ा है, शिकार करने में समय तो लग ही जाता है। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या महारानी, देर होने की वजह से ना जाने मेरे मन में क्या क्या आ रहे हैं। क्या क्या ख्याल आता है? मैं सोच में पड़ गई हूँ। कैसा सोच? ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं यहाँ से महल जा रही हूँ। तू महल जाओ और मैं बेटा उत्तम का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या महारानी, एक बात याद रही आपको कि अपना पुत्र उत्तम कुमार जब अपने दरबार तक चले आएंगे, उत्तम कुमार की सिवा आप अपने गोद में किसी गैर लड़का को नहीं बिठाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो महारानी? हाँ, बच्चे तो सबके बच्चे बराबर होता है, क्योंकि बच्चा को भगवान का रूप माना गया है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो महारानी? स्वामी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले नहीं था भी पुत्र इस महल में तो कोई बात नहीं था, अब तो अपने महल में पुत्र हो ही गए हैं उत्तम कुमार, तो दूसरे गैर लड़का को आप क्यों बैठाइएगा? तो ठीक है महारानी, जैसा तुम चाहती है वैसा ही होगा, हम अपने बच्चा के सिवा दूसरे बच्चे को अपने गोद में नहीं बैठाएंगे। ठीक है स्वामी, जब मैं यहाँ से महल जा रही हूँ। जाओ महारानी महल जाओ और मैं बेटा उत्तम का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। खुशी रहो महारानी। हेलो, आहो आज दीना जे अफर कई हो भैया, बैठा बाई नारा
भूल।